कमलनाथ और कांग्रेस के नेता 2019 में सरकार के एक साल पूरे होने का जश्न मना चुके थे। साल 2020 की भी शुरुआत हो चुकी थी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस साल मध्यप्रदेश की सियासत में होने वाला क्या है। सरकार अपने तरीके से कामकाज में जुटी थी, प्रदेश के साथ देश में भी सियासी हलचल थी, दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, सारे नेता प्रचार में जुटे थे। मध्य प्रदेश से भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में जाकर सभाएं ली। इधर मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। उनके धरने को 15 से 20 दिन हो चुके थे। कड़कड़ाती सर्दी में आंदोलन जारी था, उन्हें सरकार की तरफ से मनाने की कोशिशें की जा रही थी। उधर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर CAA और NRC को लेकर बवाल मचा था। दिल्ली का शाहीन बाग विरोध का अड्डा बना था। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इस दौरान राजगढ़ में एक वाकिया हुआ। CAA और NRC के समर्थन में आंदोलन कर रहे बीजेपी के नेताओं को राजगढ़ कलेक्टर ने थप्पड़ रसीद दिया। इस थप्पड़ कांड की गूंज से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इधर बीजेपी दिल्ली चुनाव हार गई। केजरीवाल फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में नए अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा की ताजपोशी हुई। जेपी नड्डा की ताजपोशी से मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। मगर कांग्रेस में ना तो नए अध्यक्ष को लेकर कोई सुगबुगाहट थी, ना ही किसी तरह की सियासी हलचल। मध्य प्रदेश में थप्पड़ कांड की सियासत के बीच कमलनाथ सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुटी थी। राज्यसभा चुनाव की भी सरगर्मियां थी और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और नगर निगम के चुनाव की भी तैयारियां की जा रही थी। इन सब गहमा गहमी के बीच आ गया फरवरी का महीना। ये वो महीना था जिसने मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाली सियासी उथल पुथल की जमीन तैयार की थी। इसी महीने में वो हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। फरवरी का पहला हफ्ता तो सामान्य गुजरा। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का ऐलान हुआ। तत्कालीन CM कमलनाथ, सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस ने इन अवार्ड्स का ऐलान किया। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी कि इन्होंने चुना तो है मध्य प्रदेश इंदौर। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हर महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे और जगह जगह सभाएं लेते थे। इसी कार्यक्रम में मंच से सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र की एक एक घोषणा पूरी होगी, ऐसा नहीं होगा तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। समर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। और सरकार अभी बनी है, एक वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और अगर बारी ना आए, चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। सड़क पर उतरने के सिंधिया के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा दी। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चुटकियां लेने लगी और कांग्रेस के नेता सफाई देने लगे। इस बयान के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं, या फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह सतह पर आ चुकी है। सियासी हलकों में शुरू हुई ये चर्चाएं धीमी भी नहीं पड़ी थी कि दिल्ली में कमलनाथ ने
सिंधिया के इस बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया। इस रिएक्शन में उन्होंने कहा कि यदि सिंधिया सड़क पर उतरना चाहे तो उतर सकते हैं। कमलनाथ ने 15 फरवरी को दिल्ली में यह बयान दिया, यानी सिंधिया के बयान के ठीक दो दिन बाद। इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर हमले तेज कर दिए और कांग्रेस के नेता सफाई देने में जुट गए। खुद कमलनाथ ने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है, उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया। कमलनाथ के बयान के बाद यह सियासी घटनाक्रम 2 से 3 दिन और चला और इसके बाद ये माना गया कि कांग्रेस के भीतर नेताओं की बयानबाजी तो आम बात है, इसलिए अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मगर इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बयान को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सिंधिया के मन की बात कोई जान नहीं पाया, ना ही ये कोई समझ सका कि सिंधिया इस बयान को आधार बनाकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिंधिया इस दौरान 1 या 2 बार भोपाल भी आए, मगर उन्होंने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी थी और ये वही महीना था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचाई। इसी मार्च के महीने में 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 26 मार्च को मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव भी होना था। 3 मार्च को कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने मध्य प्रदेश की सियासत में फिर खलबली मचा दी। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और ये आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि उनके पास सबूत है, वो बगैर तथ्यों के आरोप नहीं लगाते। उन्होंने ट्वीट में बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई के दिल्ली में होने की खबर भी दी और ये भी कहा कि दिल्ली में रामबाई क्या कर रही है। भूपेंद्र सिंह जी अपने चार्टर प्लेन में उसको क्यों लेके आए, इसका उत्तर आज तक नहीं दिया, उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते शिवराज सिंह जी, मैंने पूछा है उनसे। सर लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि आप खुद उसे खारिज कर रहे हैं, क्या आप लोग ऐसा है? मैं बिना प्रमाण के बोलता नहीं हूँ, मेरे पास सब प्रमाण है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना, मैंने क्या किया? 10 से 15 ग्राम उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? वार पलटवार की सियासत के बीच 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा के ITC ग्रैंड मानेसर होटल में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस के मंत्री इस होटल में पहुंचे और फिर देखने को मिला जोरदार हंगामा। दरअसल कांग्रेस को खबर मिली थी कि ITC ग्रैंड मानेसर होटल में कांग्रेस के 4, बहुजन समाज पार्टी के 2 और एक और विधायक को बीजेपी ने जबरिया नजरबंद कर रखा है। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस हरकत में आई। सीएम कमलनाथ ने 4 मंत्रियों को हरियाणा भेजा। जीतू पटवारी जयवर्धन सिंह होटल पहुंचे, यहां पुलिस की मौजूदगी में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाए कि उन्हें विधायकों से मिलने से रोका गया। इसके बाद एक और खबर मिली कि और भी विधायक हैं जो लापता हैं और इसी दिन शिवराज भी दिल्ली पहुंच गए। इस मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि सभी माफिया बीजेपी के कार्यकाल में पनपे हैं और बीजेपी का भरोसा धनबल में है, इसलिए खरीद फरोख्त की कोशिश की गई है। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी ये प्रयोग बीजेपी के लिए मुंगेरी लाल के सपने जैसा ही साबित होगा। 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, BSP के संजीव कुशवाहा, कांग्रेस के अदल सिंह कंसाना, कांग्रेस के रणवीर जाटव, कमलेश जाटव और BSP के विधायक रामबाई भोपाल पहुंच गए। वो सीधे CM हाउस पहुंचे, जहां कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस के इन विधायकों ने कमलनाथ और कांग्रेस में पूरी आस्था जताई।
मगर कांग्रेस के बिसाहूलाल, हरदीप सिंह डंग, रघुराज कंसाना और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा की लोकेशन का पता नहीं चला। दिग्विजय सिंह ने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी ने चार विधायकों को गुड़गांव से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया और दिग्विजय खुद दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान चर्चा ये रही कि एक विधायक के गनमैन की गलती से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। गनमैन के जरिए दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों के इकट्ठा होने की खबर लीक हो गई। इधर कांग्रेस को लग रहा था कि उसने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया, लेकिन 5 मार्च को एक बार फिर सियासत में उबाल आ गया जब सुवासरा से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। लिखा कि उनके क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं हुए, इसलिए आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। उधर बिसाहूलाल के बेटे ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद एक बार फिर कमलनाथ ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया। इस बैठक में दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी कमलनाथ से मुलाकात की। बैठक से बाहर निकले मंत्रियों ने कहा, ऑल इज वेल। अब मध्यप्रदेश की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई थी। कांग्रेस भांप चुकी थी कि जिस ऑपरेशन लोटस को वो फेल मानकर चल रही थी, दरअसल उसने गलती की थी। कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली और सभी विधायकों को भोपाल बुलाया। कमलनाथ ने 6 मार्च को कैबिनेट की बैठक ली और सभी विधायकों को भी भोपाल बुलाया। कैबिनेट की इस बैठक में मंत्रियों ने कमलनाथ के सामने इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस के 4 विधायक गायब थे, वो कहां थे उनका पता नहीं चल पा रहा था। बैठक में आला अधिकारी भी शामिल हुए। इधर खबर ये भी आई कि बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम से नाराज है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई और इसी दिन कांग्रेस के 3 विधायक हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, रघुराज कंसाना और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा के बेंगलुरु में होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब ये साफ था कि ये 4 विधायक बेंगलुरु में हैं, लेकिन बेंगलुरु क्यों पहुंचे थे और आखिरकार इन्हें बेंगलुरु कौन लेकर गया? इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा बेंगलुरु से वापस लौट आए। 7 मार्च को सुरेंद्र शेरा ने बेंगलुरु से वापस लौटते ही कमलनाथ से मुलाकात की और कहा कि वो निजी काम से बेंगलुरु गए थे। वो कमलनाथ के साथ है और कमलनाथ ही उनके बॉस है। शेरा कमलनाथ से मुलाकात कर वापस दिल्ली लौट गए। 6 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ था कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और नाराज विधायकों को मनाया जाएगा, मगर बागी और निर्दलीय विधायक होली के बाद ही विस्तार चाहते थे। खास बात यह रही कि इस बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हुए थे। मध्यप्रदेश की सियासत में हुए इस घटनाक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश ही रहे। इसी बीच सिंधिया गुट में प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने एक बयान दिया और ये ऐसा बयान था जिसने बता दिया कि सिंधिया पार्टी से नाराज है। सिसोदिया ने कहा कि उनके नेता सिंधिया की उपेक्षा और अनादर होता है तो सरकार पर संकट आ सकता है। सिसोदिया के इस बयान के मायने निकाले गए कि सिंधिया इस बात से नाराज है कि उन्हें राज्यसभा में दूसरी वरीयता का उम्मीदवार बनाया गया है, मगर प्लानिंग दूसरी थी, जिसका खुलासा 2 दिन बाद हुआ। 8 मार्च को बेंगलुरु में जमे कांग्रेस के 3 विधायकों में से एक बिसाहूलाल सिंह भोपाल पहुंच गए और बिसाहूलाल ने कमलनाथ से मुलाकात की। बिसाहू ने कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था, बल्कि वो तो तीर्थ यात्रा करने गए थे। बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस में निष्ठा जताते हुए यह भी कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय हो चुका था, इसलिए कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया। कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए। इधर 9 मार्च को निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा फिर भोपाल लौटे। उनकी तरुण भनोत से मुलाकात हुई, जो उस समय प्रदेश के वित्त मंत्री थे। मुलाकात के बाद दोनों ने कहा, ऑल इज वेल। इधर कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि हर मसले पर चर्चा हुई। राज्यसभा को लेकर भी कमलनाथ ने सोनिया गांधी से बातचीत की और मध्यप्रदेश में गुटबाजी की खबरों को नकार दिया। आगे अपनी, मैं भोपाल जा रहा हूँ वापस, सबसे बैठ के हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई है। मेरी सब बातों पर चर्चा हुई है, इसमें राज्यसभा में कोई विवाद नहीं है। हाँ,
सर्वसहमति से राज्यसभा का निर्णय होगा। नामों को लेकर कौन कौन जाएगा, नाम को चर्चा हुई सर? दिग्विजय सिंह, सिंधिया, ये बहुत सारे, मैंने कहा इसमें सर्वसहमति से सब हो रहा है, बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से सब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी क्या चर्चा हुई है, मंशा क्या है बीजेपी की? मंशा तो यही है कि उनसे रहा नहीं जा रहा, कि अब उनका खुलासा, वो सोचते हैं उनके 15 साल के जो कारनामे थे, उनके घोटाले थे, उसका खुलासा होने जा रहा है, इसीलिए वो बड़े परेशान हैं और चिंतित हैं। सर, विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी जो गुटबाजी है उसको कुछ नहीं कर पा रहे। पूरा प्रदेश जानता है कि मेरे प्रदेश में कोई गुट नहीं है, मैंने हमेशा हर कांग्रेस जन का साथ दिया, मेरा कोई गुट नहीं है, पूरा प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार का सदस्य ये जानता है। होली के मौके पे कुछ बता दो। मैं होली के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं, मजे से होली मनाएं, मैं भी मनाऊंगा। कांग्रेस मानकर चल रही थी कि मध्य प्रदेश में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ वो केवल राज्यसभा सीट को लेकर हुआ, इसीलिए ये सियासी उठापटक भी हुई। मगर कांग्रेस को पता नहीं था कि धमाका होना बाकी है और वो इसी दिन हुआ। खबर मिली कि सरकार के मंत्री और कुछ विधायक गायब है और ये सभी सिंधिया समर्थक थे। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी के फोन स्विच ऑफ थे। कमलनाथ को भी ये खबर मिली तो वो आनंद फानंद में देर शाम भोपाल पहुंचे और सीएम हाउस में मंत्री और विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई। दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए, सीएस और डीजीपी को भी सीएम हाउस बुलाया गया। 10 मार्च को होली थी और इस दिन देश में रंग गुलाल बिखर रहा था, कोरोना संक्रमण का साया भी मंडरा चुका था और ये ही वो दिन था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेली सियासी होली। ज्योतिरादित्य ने होली के ही दिन इस्तीफे की पेशकश करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इधर सिंधिया ने ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने देरी न करते हुए 20 मिनट के भीतर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों के हाथ से लिखे हुए इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिए गए। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया अमित शाह से मिलने दिल्ली के गुजरात भवन पहुंचे थे। सुबह 11 बजे वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले। सिंधिया के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। इधर भोपाल में बाला बच्चन, हुकुम सिंह कराड़ा और सज्जन सिंह वर्मा समेत कई मंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे। कांग्रेस सक्रिय हुई थी तो बीजेपी खेमे में भी सक्रियता बढ़ गई। इसी दिन 12 बजे भोपाल में बीजेपी ने मुख्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल हुए। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस की अंतर्कलह है और कांग्रेस सरकार यदि गिरती है तो वो अपने बोझ से गिरेगी। 10 मार्च को ही शाम 6 बजे भोपाल में कमलनाथ के घर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 94 विधायक शामिल हुए, इसमें 90 कांग्रेस के और 4 निर्दलीय विधायक थे। इधर शाम को एक और चौंकाने वाली खबर मिली कि बीजेपी अपने विधायकों को भोपाल से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने और विधायकों के इस्तीफे देने के बाद बीजेपी के विधायकों के टूटने का भी खतरा बढ़ गया था। बीजेपी ने बैठकर यह तय किया कि सभी को भोपाल से दूर ले जाया जाए ताकि विधायकों को कोई प्रलोभन न दे सके। बीजेपी मुख्यालय से बसों में भरकर विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। हर संभाग के हिसाब से विधायकों को बसों में बैठाया गया था। सभी बसें एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन विधायक ये बताने को तैयार नहीं थे कि आखिर वो कहां जा रहे हैं। बीजेपी ने किसी भी विधायक को मीडिया के सामने बयान देने से रोक दिया था। हालांकि बीजेपी नेताओं ने यह साफ माना कि विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी। इधर बीजेपी ने अपने विधायकों को हरियाणा के गुड़गांव पहुंचाया तो उधर कांग्रेस ने भी फैसला किया कि विधायकों को जयपुर रवाना किया जाए, लिहाजा कांग्रेस के विधायक भी जयपुर रवाना हो गए। 11 मार्च ये वो तारीख थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने पर बड़े नपेतुले अंदाज में प्रतिक्रिया दी, मगर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई थी। सिंधिया के इस्तीफे के 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और हमला केंद्र सरकार पर बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि जब कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में व्यस्त है, तब मोदी ये देखने में चूक गए कि दुनिया में तेल की कीमतों में 35% की गिरावट हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। अब कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी थी,
लिहाजा कांग्रेस ने तय किया कि विधायकों को वापस भोपाल लाया जाए। दो मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई। जीतू पटवारी बागी विधायकों को मनाने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने लाखन सिंह और जीतू पटवारी को हिरासत में ले लिया। पुलिस और पटवारी के बीच धक्का मुक्की हुई। हिरासत से छूटने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि वो चचेरे भाई मनोज चौधरी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने रोका, उनके फोन भी छीन लिए। बेंगलुरु में हुए घटनाक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधायकों को नोटिस दिया कि वो इस तरह से इस्तीफे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि विधायकों को भोपाल आना पड़ेगा। 13 मार्च का वो दिन था। एनपी प्रजापति के नोटिस का जवाब देने 19 सिंधिया समर्थक विधायक भोपाल आने की तैयारी में थे। इधर कमलनाथ की राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात हुई। उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इधर सभी विधायक 3 घंटे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बैठे रहे और शाम को वापस रिसोर्ट लौट गए। इसके बाद सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को कमलनाथ की सिफारिश पर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और इनके विभागों का नए सिरे से बंटवारा भी कर दिया गया। 16 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होनी थी। उससे पहले 14 मार्च को एनपी प्रजापति ने सिंधिया समर्थक 6 पूर्व मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। बाकी बचे विधायकों को भोपाल पहुंचने का नोटिस दिया गया। आधी रात को राज्यपाल लालजी टंडन ने फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी और 16 मार्च को बजट सत्र से पहले ही फ्लोर टेस्ट करने के निर्देश दिए। अब जब फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हो चुकी थी तो कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का भोपाल लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी लोग 15 मार्च को भोपाल आ गए। विधायक लौटे तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में रखा, बीजेपी ने सीहोर के एक रिजॉर्ट में उन्हें शिफ्ट किया। इस बीच खबर यह भी मिली कि बागी विधायकों को बेंगलुरु से भोपाल लाने के लिए 3 चार्टर्ड प्लेन तैयार है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट न होने की रणनीति के जवाब में इन विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड करवाने की बीजेपी ने तैयारी की थी। 16 मार्च का दिन सियासत में काफी अहम था। फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी थी, मगर सदन में वो हुआ जिसका अंदाजा पहले से लगाया गया था। सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो गवर्नर ने अभिभाषण का आखिरी पैरा पढ़ा और इसके 15 मिनट बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। फ्लोर टेस्ट टल गया। शाम करीब 4 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ को पत्र लिखा, इसमें उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने को कहा। उधर शिवराज सिंह चौहान और 10 बीजेपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष और कमलनाथ को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा। कमलनाथ ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें पहले पत्र पर खेद व्यक्त करते हुए जवाब दिया कि राज्यपाल की फ्लोर टेस्ट की बात आधारहीन है। इधर शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार के अल्पमत में होने की बात रखी। सुप्रीम कोर्ट से एक दिन का समय और मिल गया था। अब दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंच गए और वहां उन्होंने बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की। वो 18 मार्च का दिन था। दिग्विजय सिंह जैसे ही बेंगलुरु पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रिजॉर्ट के बाहर रोक दिया। नाराज दिग्विजय वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने दिग्विजय और बाकी नेताओं को 1.25 घंटे तक हिरासत में रखा। इसके बाद दिग्विजय ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई जो बाद में खारिज हो गई। 19 मार्च का दिन अहम था। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। सभी की निगाहें टिकी थी कि क्या होने वाला है, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक 3 चरणों में सुनवाई हुई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई कर स्पीकर को 20 मार्च की शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए फ्लोर टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। अब यह तय हो चुका था कि फ्लोर टेस्ट होगा। कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या नहीं थी। विधानसभा अध्यक्ष ने बाकी बचे 16 विधायकों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए और कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। ऐसे में क्या कांग्रेस फ्लोर टेस्ट करवाने वाली थी या फिर कोई और विकल्प था? 20 मार्च का वो दिन था जब फ्लोर टेस्ट होना था। उससे पहले कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ करीब 25 मिनट बोले, 15 महीने पुरानी सरकार की 20 उपलब्धियां गिनाई और 16 बार कहा कि बीजेपी को काम रास नहीं आए। ये भी कहा कि बीजेपी ना तो प्रदेश को हरा सकती है ना उनके हौसलों को। कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट करने से पहले ही राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। कमलनाथ के इस्तीफा सौंपने के बाद कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार गिर गई और सरकार के गिरने का पूरा ठीक रहा कांग्रेस नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पर फोड़ा। इधर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी नेताओं ने कहा सत्यमेव जयते। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा सच्चाई की जीत हुई। तब तक कोरोना संक्रमण भी फैल चुका था। 22 मार्च को PM मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मध्य प्रदेश की बागडोर एक बार फिर बीजेपी के हाथ में आ गई। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।